उत्कर्ष की बात सुनकर आरोही एक्साइटेड हो गई। मेरी माँ हमेशा पापा के बारे में बात करती रहती है। अगर वो पापा से मिलेंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और शायद जल्द से जल्द रिकवर भी हो जाएंगी। प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है। अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट मान लेती हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लवर बन जाओ। आरोही, तुम विक्रम से शादी कर चुकी हो और उसके जितनी ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम विक्रम को डिवोर्स दे दो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो इसके बारे में, मैं विक्रम को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा। इतना कहकर उसने आरोही के गाल पर अपना हाथ रखना चाहा कि तभी आरोही ने उसे जोर से धक्का दे दिया। मैं इतनी घटिया डील तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगी, मैं अपने पापा को खुद ढूंढ सकती हूं। इतना कहकर आरोही वहां से निकल गई। बाहर आकर थोड़ी ही दूरी पर मौजूद बेंच पर वो बैठ गई। अब आरोही के चेहरे का गुस्सा गायब हो चुका था। उसने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतने दिनों से पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही हूं लेकिन उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं जानती हूं अगर पापा मिल जाएंगे तो माँ भी ठीक हो जाएगी। आप कहाँ हैं पापा? क्या आपको माँ की याद नहीं आती? आप ऐसे अचानक उन्हें छोड़कर कहाँ गायब हो गए और क्यों? प्लीज भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं उनका पता लगा सकूं। तभी उसने देखा कि उसके फोन पर रोहन के 3 मिस्ड कॉल्स थे, पर फोन साइलेंट होने की वजह से उसे पता नहीं चला। आरोही ने जल्दी से रोहन को कॉल किया। दूसरी तरफ फोन उठाते ही रोहन ने उससे कहा, आरोही, उस ग्लास के टुकड़े से पूरे 6 फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट हुए, मैं तुम्हें उनके पिक्चर्स भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच रोहन, मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए थी। उनमें से कुछ फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं और कुछ दूसरे इंसान के, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनमें से कौन से फिंगरप्रिंट्स मेरे होंगे और कौन से दूसरे के होंगे? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, पर तुम्हें यहाँ आकर अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। मैं अपनी मशीन लेकर क्लिनिक के सामने मौजूद रेस्टोरेंट में आता हूँ, तुम वहीं आ जाओ। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरा वेट करो। कुछ देर बाद आरोही उस रेस्टोरेंट में आई तो उसने देखा रोहन एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने मौजूद टेबल पर इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। ये देखकर आरोही उसके सामने आकर बैठ गई तो रोहन ने उसके सामने मोबाइल स्क्रीन जैसी एक स्क्रीन रखते हुए कहा, ये मेरा होममेड फिंगरप्रिंट्स कलेक्टर है, तुम इस पर अपना हाथ प्रेस करो और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। आरोही ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। फिर रोहन आरोही के फिंगरप्रिंट्स और ग्लास के टुकड़ों पर से एक्सट्रैक्ट किए फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखने लगा। आरोही, मेरी रिसर्च के हिसाब से उस 6 फिंगरप्रिंट्स में से 2 फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे राइट इंडेक्स फिंगर के हैं, 2 राइट थंब के हैं और बचे हुए 2 तुम्हारी राइट लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के हैं। ये इम्पॉसिबल है रोहन, जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। आरोही, फिंगरप्रिंट्स एक्सट्रैक्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम किसी एक्सपर्ट फोरेंसिक डॉक्टर के पास जाकर भी इसका वेरिफिकेशन करवाओगी तो सेम ही रिजल्ट आएगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शिवानी ने उस कांच के टुकड़े से खुद के हाथ को काटा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो इस पर होने चाहिए ना, इस पर सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे हो सकते। तुम जिस शिवानी की बात कर रही हो उसने ज़रूर वो ग्लास उठाने से पहले अपने हाथों में कुछ पहन रखा होगा, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स इस पर नहीं है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बाहर गार्डन में घूमने लगी, पर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसे वॉमिटिंग हो गई। चरण भी वहीं थोड़ी दूरी पर एक कॉल अटेंड कर रहा था। जब उसने आरोही की ये हालत देखी तो कॉल खत्म होने के बाद उसने आरोही के पास आकर कहा, मैडम आप ठीक तो है ना? अगर आपकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो हम हॉस्पिटल चल सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चरण, और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप चिंता मत कीजिए। चरण, क्या आपने इन दिनों विक्रम को देखा है? वो सरकार थोड़े बिजी हैं इसलिए वो इतने दिनों से घर नहीं आ पा रहे हैं, पर वो बिल्कुल ठीक है मैडम, आप चिंता मत कीजिए। शाम में वो हमेशा की तरह बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी तभी उसके सामने एक रेड लग्जरी कार आकर रुकी।
ये देखकर आरोही थोड़ा हैरान हुई, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही उस कार की खिड़की नीचे हुई और उसके अंदर बैठे शख्स ने आरोही को देखते हुए कहा, तुम अब भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हो। अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रियली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। जब से शिवानी को डिस्चार्ज मिला है, करीबन एक हफ्ते से तुम्हारा पति और मेरी पत्नी एक साथ रह रहे हैं। मुझे पता है वो कहाँ है। तुम्हें पता है तो बताओ वो दोनों कहाँ है। मैंने कहा था ना, अब तुम खुद मुझसे बात करोगी। मैं जानती हूं तुम मुझे यही बताने आए हो, इसलिए बातें घुमाना बंद करो और जल्दी बताओ विक्रम कहाँ है। ड्रिफ्ट फूड विला पर, और इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, तो तुम चाहो तो इस बारे में चरण से पूछ सकती हो, वो तुम्हें वहां ले जाएगा। इतना कहकर प्रियांश हंसते हुए वहां से निकल गया। उसकी बात सुनकर आरोही ने जल्दी से अपना फोन निकालकर चरण का नंबर डायल कर दिया। मुझे क्लिनिक जाना है, पर मुझे कोई बस नहीं मिल रही है, आप मुझे पिक कर सकते हैं? मैं बस स्टॉप के सामने ही हूँ। जी मैडम, मैं अभी आया। थोड़ी देर बाद आरोही के सामने कार आकर रुकी। वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और चरण से कहा, जल्दी से मुझे ड्रिफ्ट फूड विला ले चलो। मैडम वहां, आपको उस जगह के बारे में कैसे पता? तुम्हें अब ये सब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है विक्रम शिवानी के साथ ड्रिफ्ट फूड विला में है, इसलिए वो इतने दिनों से घर नहीं आए हैं। एक्चुअली मैडम, मैं आपसे ये सब छुपाना नहीं चाहता था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सरकार अपनी लिमिट्स जानते हैं। भले ही वो शिवानी मैडम के साथ रहते हैं, पर वो उनसे दूर ही रहते हैं, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मुझे भी विक्रम पर भरोसा है, पर उस शिवानी पर बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो शांत पड़ गई। क्या आरोही शिवानी को विक्रम से दूर रख पाएगी, या फिर शिवानी आरोही और विक्रम के बीच दरार पैदा कर देगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।